आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा और उनके दिव्य रूप के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरा रूप है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस रूप में देवी ब्रह्मचारिणी तपस्या और साधना का प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप देवी पार्वती के उस समय को दर्शाता है जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। माता ने यह कठोर तपस्या हजारों वर्षों तक की, जिसके कारण उनका यह नाम पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल और जप माला लिए दिखाया जाता है। उनकी यह साध्वी मुद्रा उनके असीम धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में सती ने हिमालय राज के घर जन्म लिया और उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती ने शिव जी को फिर से पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इस तपस्या के दौरान माता ने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल और बाद में केवल बेलपत्र खाकर तप किया। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव पड़ा। भगवान ब्रह्मा ने माता की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि शिव जी ही उनके पति होंगे। इसी कारण माता के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है, जो तपस्या और समर्पण की मूरत हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। उनकी पूजा करने से भक्तों को धैर्य, साहस और आत्मनियंत्रण की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो भक्त माता ब्रह्मचारिणी की सच्चे मन से उपासना करते हैं, उन्हें जीवन के सभी कष्टों का सामना करने की शक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और शांति आती है। पूजन विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। उनकी मूर्ति या तस्वीर को सफेद फूलों से सजाया जाता है और उन्हें दूध, दही, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। मंत्र देवी ब्रह्मचारिणी नमः का जाप करने से मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है।